पहाड़ों के बीच में हम लोगों का एक छोटा सा ये झील है, जो कि यहाँ पे मुख्यमंत्री ने यहाँ पे आकर के इस चीज़ का अनावरण किए थे। टोयोटो रेस हो रहा है यहाँ पे, चार को गाड़ी है यहाँ पे, देख रहे हैं सर कछुआ पहाड़ यहाँ पे। पहाड़ का जो श्रृंखला भाई खत्म ही नहीं हो रहा है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक हम लोग दम से लगातार से चलते आ रहे हैं। तो ये वाला गाड़ी यहीं पे खराब हो गया, तो ये गाड़ी अब नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है। आजा आजा लो, नहीं खाना है, नहीं खाना है, खा गई। चलिए कौन सी ले लो। तो देखिए कुछ इस प्रकार से पहाड़े है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई इसको सजाया है ऐसे ऐसे करके, देख सकते हैं यहाँ पे है ना, और काला काला सा पड़ गया है, ऐसा लग रहा है कि जला हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों का पत्थर है जिस पर चलना काफी कठिन है। कठिन क्या, अगर भाई कोई गिर गया तो एकदम से मुंह फूट जाएगा। हे गाइस नमस्कार, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों ये नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों को फिर से लेकर के चल रहे हैं एकदम नेक्स्ट ब्लॉग पे, यानी कि नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जिसको बोल सकते हैं। और पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम आप लोगों को रोपवे पे लेकर गए थे, तो आज आप भैया हम लोग को लेकर जाने वाले हैं आप लोगों को घोड़ा खटोला पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को गाड़ी मिलता है, इस गाड़ी का भाई एक आदमी का 100 रुपये लग रहा है। उस हिसाब से भाई हम लोगों के यहाँ पे लगभग 35-30 आदमी हैं, तो और कुछ बच्चे जो है जो कि नहीं जा रहे। तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ टिकट काउंटर है, ठीक है, यहाँ से कुछ 10 रुपये चाहे 20 रुपये जो भी है यहाँ से हम लोगों का लगेगा। और उसके बाद से फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे और लगभग 6.5 किलोमीटर के करीब है ना। तो हमारे साथ बहुत सारे बच्चे सब यहाँ पे देख सकते हैं, हम यहाँ पे गाड़ी, फिर एक वहाँ 2, 3, 4, 5, 6 यानी पूरा हम ही लोगों लगा है ना। तो भाई जाने और आने का खर्चा सब एकदम से सेम ही है। और क्या खा रहे हो तुम लोग जी? सोन पापड़ी है ना। तो एक गाड़ी पर बस 5 ही लोग, 4 को इधर, हम यहाँ पे आगे बिल्कुल जाएंगे। तो चलिए हम लोगों ने अब जंगल में यहाँ पे प्रवेश करना स्टार्ट कर दिए हैं। और यहाँ से देख सकते हैं भाई पूरा टोयोटो एकदम से पूरा टोयोटो रेस हो रहा है यहाँ पे। और पूरा तरीके से देख सकते हैं भाई पूरा तरीके से जंगल है ना, और ये रास्ता पूरा कच्चा सा है। रात को इधर गाड़ी आना बिल्कुल से बंद हो जाता होगा, 4 बजे के बाद से यहाँ पे गाड़ी आना बंद हो जाता होगा। इधर क्या जानवर का भी खतरा रहता है क्या? नहीं, जानवर का खतरा नहीं है बिल्कुल से। इस वाले में हेड सर बैठे हैं, आगे वाला में एकदम पूरा गर्दा उड़ा दिए सर यार, सही में एकदम से नेक्स्ट लेवल के यहाँ पे फीलिंग आ रही है। जो कि पहले आप लोग देखो रेड कार है ना, 4 गाड़ी है यहाँ पे और भी है, क्योंकि इस क्षेत्रों में जितनी भी मैंने कि कोई दूसरी गाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगी, बस ये टोयोटो है, बस यही आपको लेकर के जाएगी वहाँ घोड़ा खटोला के पास। और फिर यही लोग उधर से रिटर्न लेकर के आए हम लोगों को। जंगल में एकदम से जा रहे हैं भाई, नेक्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हैं भाई जंगलों के बीच कैसा लग रहा है। बढ़िया, क्या लो, क्या हुआ गाड़ी में? गाड़ी में देखिए क्या प्रॉब्लम हो गया, क्या हो गया जी? हैं, क्या हुआ? दूसरा गाड़ी मंगाइए। तो ये वाला गाड़ी यहीं पे ख़राब हो गया, तो ये गाड़ी अब नहीं जाएगा यहाँ से, ठीक है। इनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, बस स्लेटर वो नहीं हो पा रहा है, समझ रहे हैं, यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो यहाँ पे आप देखिए एक एक मैंने कि एक गाड़ी पे 6-6 लोग हम लोग जाएंगे। तो भाई जंगल एकदम से नेक्स्ट लेवल का जंगल है भाई साहब, बीच जंगल में हम लोग का गाड़ी ख़राब हो गया था। इधर आइए महाराज, यहाँ से देखिए कछुआ पहाड़ सीधे दिख रहा है, लुक इधर आइए सर, यहाँ से दिखेगा कछुआ पहाड़ देखो जी। नहीं वो वैसा ही है सर, देख रहे हैं सर कछुआ पहाड़ ठीक सामने है, ठीक है, एकदम से आप लोग दिखाते हैं जूम करके थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कछुआ पहाड़ देखने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके थे भाई, कछुआ की तरह यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है ना। तो देखो भाई कछुआ पहाड़ है ना, आगे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ दिखाएंगे, बने रहिएगा है ना। कछुआ पहाड़ देखा दिए, बस उसमें कछुआ पहाड़ थोड़े कछुआ का पत्थर उसी शेप में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे पहाड़ का जो श्रृंखला है भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक हम लोग दम से लगातार से चलते आ रहे हैं, और भाई पहाड़ बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है यहाँ पे देखो भाई। तो यहाँ पे पहाड़ों के बीच में हम लोग राइडिंग वगैरह करेंगे, ठीक है, वो भी बोट का, ठीक है भाई, एकदम से नेक्स्ट लेवल का। और यहाँ पे गौतम बुद्ध का एक प्रतिमा बनी हुई है बीच में है ना, पास में चलते हैं वहाँ से दिखाएंगे। तो यही है ड्राइवर साहब जो कि हम लोगों को यहाँ पे लेकर के आए हैं, और इनको पहचानना हम लोगों को मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसी गाड़ी पर हमको फिर से रिटर्न जाना है। तो यहाँ पर नाम बता रहे हैं कि लिखा हुआ है, तो यहाँ पे है क्या लिखा हुआ है, आर्यन नंबर 2 होगा। अच्छा, तो आप ही पहचान लेते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत सारे लोग हैं किनको पहचानेंगे हम, समझ रहे हैं ना भाई। पूरा पहाड़ों के बीच में आप लोग देख सकते हैं भाई पूरा पहाड़ है, और ये श्रृंखला कभी ख़त्म ही नहीं हुई थी, और ये लोग पीछे पीछे था। तब तुम लोगों को कैसा लग रहा है राइडिंग का, कौन कौन पहाड़ों के बीच में तुम लोग राइडिंग करने वाली है अभी बिल्कुल से?
फर्स्ट बार मेरा है सर। ओ भाई साहब, माने एकदम से नेक्स्ट लेवल का व्यू आ रहा है एकदम से। आप लोग समझ सकते हैं भाई, पूरा तरीके से पीछे पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है ना, और इसके बीच में थोड़ा सा पानी होनी है यहाँ पे। हेलो सर, चलो 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 फिर से ये लगा गई। और ये तो पूरा सा घूम रही है ना, कैसा लग रहा है तुम्हें? इसको तो तुम लोग घूमने ही नहीं दे रही हो, तुम कहीं इसको ले ही नहीं जा रही है। बेचारी कहेगी कि हम फालतू में आए हैं यहाँ पे। 7 किलोमीटर था, ठीक है, हाँ 7 किलोमीटर। तो इस प्रकार से सारे लोग आए हुए हैं, है ना, बोटिंग करने के लिए। तो हम लोग भी चलते हैं इसमें, बोटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ का नेक्स्ट लेवल का व्यू है। तो इसके अंदर ना थोड़ा सा बत्तख वगैरह भी घूम रहे हैं, देखा था, बत्तख यहाँ पर भी है, और कुछ बत्तख यहाँ पर बाहर यहाँ पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जो कि अपने फैमिली के साथ, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेवल का व्यू है। वाओ, देखो भाई यहाँ पे बत्तख कितना प्यारा प्यारा सब है ना। और इसका प्रतिमा का जो अनावरण श्री नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री किए थे, ठीक है, ये बने की जो मूर्ति यहाँ पे बना हुआ है ना, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री आकर के इस चीज़ का अनावरण किए थे। यहाँ पे बोटिंग करने के लिए हम लोगों को 80 रुपये एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे बस ट्रेवलिंग करके इस चीज़ को मैंने कि आए थे देखने के लिए भाई। यहाँ का जो बीच का जो चीज़ है ना, एरिया बहुत से नेक्स्ट लेवल का है, जो कि एक झील के पास हम लोग आए थे। थोड़ा पानी की कमी है तो यहाँ तक पानी हुआ करता होगा, है ना, लेकिन अभी पानी बहुत कम हो गया है ना, देख रहे हैं। तो इस प्रकार से चारों बगल से पहाड़ है और बीच में ये झील है, और यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोग यहाँ से इंजॉय कर रहे हैं ना। आजा आजा आजा, लो ये लो ये लो, अरे भाई गिर गया, लो 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 लो, भाई हाथ मत काटना, डर लग रहा है यार। देख सकते हैं यहाँ छिलका जो भी है ना, छिलका को गिरा दे रही है और उसका बादाम को खा जा रही है। आजा आजा, लो नहीं खाना है, खा गई। चलिए देखो किस प्रकार से बादाम को यहाँ पे फोड़ रही है, देख रही है, देखिए 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 देखिए, बाय चली गई, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से कुछ है ना, देख सकते हैं भाई। तो देखिए कुछ इस प्रकार से पहाड़े है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई इसको सजाया है ऐसे ऐसे करके, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, और काला काला सा पड़ गया है, ऐसा लग रहा है कि जला हुआ है, लेकिन जला नहीं है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, है ना, बुद्ध जी का हम लोगों का प्रतिमा, जो कि आप लोग यहाँ पे सामने देख सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैंने कि बढ़ा दिया गया है, यानी कि बत्तख को लेकर के आया गया है, और कुछ यहाँ पे नाव वगैरह है, ठीक है, थोड़ा सा और मैंने कि अट्रैक्टिव कर दिया गया है, ये बात कह रहे हैं। और यहाँ पे शिवम गया था, शिवम फोटो खिंचा करके आ रहे हैं, चार को फोटो खिंचा है। अब तुम तो ब्लॉग में आ गए, तुम्हारा फोटो या नाव आए तो कोई से उसे कोई मतलब नहीं है। और हम लोग को मैंने कि आए हुए लगभग 20 मिनट हो गए, और 20 मिनट में हम लोगों ने सोचा कि चल करके हम लोग इसमें मैंने कि नाव वगैरह के चलाएंगे, लेकिन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से हम लोग नहीं गए। और उसमें क्या है, हम लोग सिवान में भी है तो इसे कर लेंगे, तो कायल ही करना है बस, हम लोग बस यहाँ पे इंजॉयमेंट करने आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर जो घूमना था तो हम लोग घूमे ही, और उसके बाद से आप लोगों को बताया भाई हमारे जूता का जो हाल हुआ है ना भाई, किसी का जूता का ऐसा हाल नहीं हुआ होगा, इतना बुरा हाल है। ये देखो भाई, ऐसा जूता थोड़े रहता है भाई, पूरा जैसा गंदा, और इसकी वजह से देखो भाई जूता भी मेरा फट गया यहाँ पे, समझ रहे ना। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों का पत्थर है जिस पर चलना काफ़ी कठिन है, कठिन क्या, अगर भाई कोई गिर गया तो एकदम से मुँह हाथ फूट जाएगा। और भी पर्यटक यहाँ पे आए तो और भी मज़ेदार हो जाएगा। और अभी जो एक बीच में जो आप लोग देख रहे हैं ना, वो थाईलैंड के थे, वो आकर के यहाँ पे फोटो वोटो शूट करा रहे थे, हम लोगों ने उनसे कुछ बात की तब बताया था वो बात, है ना। तो हमारी गाड़ी का ड्राइवर साहब इधर है, देख सकते हैं, तो इसी गाड़ी पर हम चलेंगे, तो आगे बैठे तो आगे ही बैठ करके चलेंगे। चलो बैठ जाओ, 5 आदमी बैठना हम लोगों का। तो और सब कहाँ रह गया जी, बुला बुला उन लोगों को, जल्दी से चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, चलो बुक करो इसको, चला जाए हम लोग। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दे भाई, यहाँ पे भाई नेटवर्क बिल्कुल से नहीं था भाई, एयरटेल वाले तो एकदम से भाई बुरा हाल है ना भाई। मैंने सोचा कि चलो भाई कि कुछ वीडियो पब्लिश कर देते हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया, क्योंकि भाई यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल से नहीं है। समझ ना, आइडिया का भी थोड़ा बहुत था लेकिन उतना काम नहीं कर रहा है, समझ ना। बस यही एक हम लोगों का था कि घूम लो, हो गया, चला जाए। तो चलिए हम लोग का गाड़ी निकल रही है, चलिए चलिए चला जाए अब हम लोग जंगल की फिर वही से रास्ते, और कुछ कछुआ पहाड़ देखने को मिलेगा फिर रास्ते में। कछुआ पहाड़ कुछ नहीं था उसमें, बस उसमें आप लोगों को एक पत्थर था, इसको समझ सकते हैं कछुआ पहाड़ बोला गया उसको। यहाँ पे हम लोग इको पार्क है, तो इको पार्क में घूमना जरूरी है, क्योंकि भाई हम लोग आए थे तो जरूर से घूमना बनता है। इको पार्क है, छोटा सा इको पार्क है, ज़्यादा वो नहीं। तो यहाँ पे सारे स्टूडेंट आ चुके हैं हमारे विद्यालय के, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों का है।